हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक हैक में। तो दोस्तों, आज हमारी टेक न्यूज़ का एपिसोड नंबर 8 और आज मैं एक बार फिर से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लीक्स यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें आज की टेक न्यूज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है एसुस की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे एसुस ने अपना ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इसकी जो स्टार्टिंग प्राइसिंग रखी गई है दोस्तों वो है 62,000 रुपीज़। वहीं अगर हम इसकी कुछ स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें मिल जाएगी 23.8 इंचेस की एक HD डिस्प्ले। प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा इंटेल का i5 11th जनरेशन वाला, जिसके साथ आपको दोस्तों इंटेल के इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों आपको इसमें 16 GB तक रैम ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और उसी के साथ दोस्तों आपको 1 TB तक का हार्ड डिस्क ऑप्शन और 512 GB तक का SSD ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है रियलमी की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे रियलमी GT न्यू स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो कन्फर्म हो चुकी है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वो चाइना में 31 तारीख को लॉन्च होने वाला है और इसकी जो प्राइसिंग चाइना में रखी गई है दोस्तों वो है 22,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है वो अराउंड 25-26 हज़ार के आसपास आ सकता है। और स्पेक्स अगर आप इस स्मार्टफोन का जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस टेक न्यूज़ देख सकते हैं, मैंने इस स्मार्टफोन की ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको बता रखी है। अगली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है IQ की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे IQ का एक और नया स्मार्टफोन IQ न्यू 5 इंडियन IMEI डाटाबेस पे लिस्ट हो गया। तो ये जो स्मार्टफोन वो आपको काफ़ी जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाला है। स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में भी आपको IQ 7 की तरह काफ़ी अच्छे स्पेक्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। आपको इस स्मार्टफोन में 120Hz की एक AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, 48 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 4400mAh की बैटरी विद 66W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन 25,000 के आसपास इस स्मार्टफोन में मिलने वाली है। बाकी दोस्तों अगली खबर यहाँ पे निकल के आती है हमारे पोको की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे पोको M2 का रिलोडेड वर्जन जो है वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी स्पेक्स इस स्मार्टफोन की रिवील नहीं करी गई हैं, बट मैं कह सकता हूँ आपको मिलते जुलते स्पेक्स देखने को मिलेंगे। ज़्यादा आपको हाई फाई स्पेक्स इस स्मार्टफोन में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है वो एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन है पोको की तरफ से। अगली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है एप्पल की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे एक वुमेन थी जिन्होंने अपना आईफोन 11 प्रो एक लेक में 30 दिनों तक डुबा के रखा और फिर जब उन्होंने 30 दिन बाद इस फोन को निकाला तो दोस्तों ये जो फोन था वो वर्किंग कंडीशन में था, यहाँ पे सारी चीज़ें वर्क कर रही थी। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं आईफोन 11 प्रो की जो वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो कितनी ज़्यादा बेटर हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगली खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है फिलिप्स की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे फिलिप्स ने 22,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक के बीच अपने 10 नए स्मार्ट टीवीज़ इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। वहीं दोस्तों फीचर्स की भी बात करें तो आपको डॉल्बी एटमोस, डॉल्बी विजन, HDR10+ का सपोर्ट, गूगल असिस्टेंट जैसे सभी फीचर्स इन सभी स्मार्ट टीवीज़ में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप फिलिप्स की स्मार्ट टीवीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इजीली परचेस कर सकते हैं। अगली और लास्ट खबर दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे सैमसंग भी अपने ऑल इन वन डेस्कटॉप पीसी इंडिया में 9 अप्रैल को लॉन्च करने वाला है। तो यहाँ पे आपको इन स्मार्ट डेस्कटॉप के 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, M7 और M5। वहीं दोस्तों अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो आपको M7 मॉडल में 32 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। वहीं आपको M5 में मिलेगी 32 इंच की एक HD+ डिस्प्ले। वहीं दोस्तों आपको M5 में एक 27 इंच वाला वेरिएंट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा और इस वेरिएंट में भी दोस्तों आपको जो डिस्प्ले है वो HD+ की देखने को मिलने वाली है। बाकी इसकी जो प्राइसिंग वो अभी तक रिवील नहीं की गई है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।